नमस्कार, मैं हूं भारत योगी। IMNB न्यूज में आपका स्वागत है। हम करते हैं राष्ट्रवाद की बात हमेशा। इन दिनों सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाण पूरे भारत में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना चाहते हैं वो, इसलिए पूरे भारत के सभी राज्यों में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी आए हुए थे वो। इन दिनों वो मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में उनकी गाड़ी से भगवा झंडा निकाला जा रहा है और उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। आज़ाद मैदान में उनकी सभा है, पर उन्हें इसलिए रोका जा रहा है कि अरब वर्ग समुदाय की रैली निकलने वाली है और वो अपनी मांगे, जो राष्ट्रहित की मांगे हैं, जनसंख्या नियंत्रण, हम दो हमारे दो, कि इस मांग को वहाँ तक ना पहुँचाए। देश में क्या दो प्रकार के लोग रह रहे हैं, जो एक कानून का पालन करेंगे और एक कानून का पालन नहीं करेंगे। यह एक बहस है, राष्ट्रीय बहस है, कि क्या सुरेश चव्हाण किसी निजी तरीके से किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए रैली निकाल रहे हैं, कि वो एक राष्ट्रहित में निकाल रहे हैं। राष्ट्रहित में उनकी ये रैली सभी जगह स्वागत की गई है। हम दो हमारे दो की उनकी रैली है। उन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और जनसंख्या पर तत्काल एक ऐसा कानून बने कि जनसंख्या नियंत्रण हो, ताकि बेरोजगारी मिटे, भुखमरी मिटे और देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन बने रहे। इस राष्ट्रहित की रैली को मुंबई में सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि गाड़ी में भगवा झंडा लगा हुआ था। क्या भगवा झंडा मुंबई में नहीं चलेगी? मुंबई में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और मुंबई को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे का गढ़ माना जाता है। अगर वहाँ भगवा झंडा नहीं है तो भारत के किस जिले में, किस शहर में, किस राज्य में भगवा झंडा लहराएगा? ये सोचने वाली बात है कि जहाँ बालासाहेब ठाकरे का गढ़ है वहाँ भगवा झंडा निकाला जा रहा है। गाड़ियाँ छोड़िए और केवल आपके चार गाड़ियाँ जाएगी तो हमने कोऑपरेट किया। अब यहाँ आने के बाद पुलिस कह रही है भगवा झंडा उतारो। देखिए, इतनी पुलिस अगर एक भगवा झंडा गाड़ी को लेकर नहीं जा सकती तो मुंबई पुलिस है या पाकिस्तान की पुलिस है, खुद बताइए बताइए मित्रों। अगर इतनी पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को आजाद मैदान नहीं लेके जा सकती तो ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान? देखिए मित्रों, जो आप आने वाले नागरिक है आप इस देश के, हाँ देखिए क्या स्थिति है। ये मुंबई पुलिस का नजरिया है, ठीक है ना? ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे जो यहाँ पर एकत्र हो रहे, लेकिन ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप सुदर्शन पर देख सकते हैं। आप देखिए, एक भगवाधारी गाड़ी भी जा नहीं सकती। हमने पूरा कोऑपरेट किया मुंबई पुलिस को। जब हमको कहा कि आप 100 गाड़ियां मत लेके जाइए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कम गाड़ी में जाने को तैयार है। लेकिन जब अब एक गाड़ी भी हमको अकेले में लेकर आकर आप ये अगर कह रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है मुंबई की मित्रों। देखिए, भगवा झंडा लेकर नहीं जा सकते, ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति है, किसका डर है, आखिर किसका डर है? देखिए, हमारी सारी गाड़ियां छोड़ के हमने कोऑपरेट करने के लिए इनको यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कोइम्बतूर पुलिस ने कहा था, तब हमने कहा कि देखिए कोइम्बतूर पुलिस क्या करती है और अब ये मुंबई पुलिस कह रही है। देखिए मित्रों, मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुंबई भी अभी हमारे हाथ से जा रही है। अब मुंबई में भी वही हालात आ रहे हैं जो हालात हैदराबाद में है। अब मुंबई में भी वही हालात हो रहे हैं जो हालात अब दूसरे मुस्लिम बहुल जगह पर है। और इसलिए अब देखिए ये गाड़ियों को रोका गया है। अब देखिए, मुंबई बाला साहब ठाकरे की कहे जाने वाली मुंबई, मराठी आदमियों की कहे जाने वाली मुंबई, अब मुंबई में डर लग रहा है भगवा झंडा लेकर जाने से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब देखिए, इतने पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को